वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज अपने पास एक डेल का लैपटॉप आया है जो कि कंप्लीट टेड है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको कैसे हमने रिपेयर करना है और वीडियो को अंत तक देखें। जो बिगनर स्टूडेंट हैं अगर वो लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज जुड़ सकते हैं। मैं अपने ऑनलाइन का कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बिगनर स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो डेल लैटिट्यूड 3470 का बोर्ड है और जो बोर्ड का पार्ट नंबर है SKL MB 14291 और इसके अंदर SoC प्रोसेसर लगा हुआ है और SoC प्रोसेसर के अंदर नंबर लिखा है SR2EY। तो ये हमारा i5 6th जनरेशन का बोर्ड है। तो ये कुछ डिटेल आपको पता होनी चाहिए लैपटॉप को रिपेयर करते समय। तो यहाँ पे जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये लैपटॉप कंप्लीट डेड है और जब मैं इसमें अडेप्टर को प्लग करता हूँ, देखिए हम जब भी लैपटॉप को रिपेयर करते हैं तो अपनी DC पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं और बैटरी को नहीं लगाते हैं। तो जब मैं अपनी DC पावर सप्लाई को 19 वोल्ट को इंजेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी DC पावर सप्लाई 4 वोल्ट पे आ गई और एम्पेयर हाई हो गया, लाइट जल गई। जैसे मैं DC कनेक्टर को निकालता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 19 वोल्ट हाई हो गई है, यानी कि अभी मशीन कनेक्ट नहीं है मेरे मदरबोर्ड से। लेकिन जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज बैठ गई और एम्पेयर हाई हो गया और लाइट जल गई। तो इस सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि मेरे बोर्ड में शॉर्टिंग है। देखिए जैसे ही मैं लगाता हूँ तो वोल्टेज बैठ रही है और निकालने के बाद वोल्टेज अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है, यानी कि इस समय 19 वोल्ट होगा। तो इस कंडीशन को हम बिना खोले, यानी कि लैपटॉप को बिना खोले भी हम बता सकते हैं कि लैपटॉप में शॉर्टिंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसको हमने किस तरीके से रिपेयर करना है। आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, जब मैं इसमें DC पावर सप्लाई को इंजेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट DC पर रख लेता हूँ और देखिए यहाँ पे फ्रंट में मैं आ जाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा DC जैक लगा हुआ है और DC जैक पे भी अगर मैं चेक करूँ पॉजिटिव वोल्ट मुझे 2 वोल्ट के आसपास मिल रही है। यहाँ पे हमारे मेन MOSFET और सपोर्टिंग MOSFET और CLR लगे हुए हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे 2 वोल्ट मिल रहा है और आउटपुट में मुझे 0 वोल्ट और देखेंगे CLR पे भी 1.07 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब यह है शॉर्टिंग है। तो अगर मैं मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रखूँ, देखिए तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा CLR पे मुझे फुल बीप मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि मेरी वोल्टिंग की लाइन में शॉर्टिंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसको हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है और इस केस में हम क्या काम करेंगे। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रखा हमने तो आप देखेंगे जब वोल्टिंग की लाइन में शॉर्टिंग होती है यानी कि CLR में, तो जितने भी हमारे सेक्शन होते हैं बूस्ट कॉइल के पास में, यानी कि मेन MOSFET सपोर्टिंग MOSFET, उसके इनपुट में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे VRM सेक्शन में इनपुट में कैपेसिटर है, तो देखिए ये भी शॉर्ट बताएगा, देखिए यहाँ पे ये भी शॉर्ट बताएगा और 3-5 की IC देखते हैं कहाँ लगी है। देखिए यहाँ पे हमारी रैम के लिए सप्लाई है, तो देखो इनपुट वोल्टेज आएगी इसके पास में, देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है और 3-5 के सेक्शन में भी आ रही है। तो अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अब मैं क्या काम करूँगा कि जो मेरा CLR है वहाँ पे अपने 18 वोल्ट को इंजेक्ट करूँगा, देखेंगे यहाँ पे, और जो भी मेरा पार्ट हीट होगा मैं उसको रिप्लेस करूँगा और मेरी शॉर्टिंग निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सप्लाई को लगा देता हूँ और 19 वोल्ट अब मैं इंजेक्ट करूँगा और मैं ये देखूँगा कि क्या चीज़ मेरी शॉर्ट हो रही है। तो देखिए मैं CLR पे लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे स्पार्क इसलिए हुआ है कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो मैं अब क्या काम करूँगा, बोर्ड में सेंस करूँगा कि कहाँ पे मेरा बोर्ड हीट हो रहा है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इसके बैक हैंड पे हीट हो रही है इधर, यानी कि इस साइड में, यानी कि 3-5 वाले सेक्शन में मुझे हीट लग रहा है। मैं दोबारा से सप्लाई इंजेक्ट करता हूँ, देखिए अगर इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं होती तो स्पार्क नहीं होता। देखिए यहाँ कहीं मुझे शॉर्टिंग लग रही है, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेता हूँ ताकि इसमें जो स्मोक निकलेगा उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट लगा लिया है और एक तार ग्राउंड पे और दूसरी CLR पे, देखिए एक तार को मैंने CLR पे टच कर लिया है। जब मैं ग्राउंड लगाऊंगा तो मेल्ट होगा पेस्ट हमारा, देखिए यहाँ पे मेरा धुआं निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर मेरा फॉल्टी है। तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तो मेरी शॉर्टिंग हट जाएगी। यहाँ से कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ यहाँ से
और आप 90 डिग्री पे SMD को चलाएं और आपका जैसी कंपोनेंट रिमूव होगा तो यहाँ पे से शॉर्टिंग मेरी हट जाएगी और मेरा बोर्ड मतलब 90% ऑन हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ से मैंने कैपेसिटर को रिमूव कर लिया है और कैपेसिटर का एक सोर जो है पीछे को लगा दिया था। देखिए कैपेसिटर शॉर्ट था, अब मेरी ये लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। मैं CLR पे चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरा CLR है जो पहले बीप दे रहा था बीप नहीं दे रहा, इसका मतलब है मेरी वोल्टिंग की लाइन में जो शॉर्टिंग थी वो हट गई है। अब मैं यहाँ पे वोल्ट को इंजेक्ट करूँगा। देखिए जब मैं DC पावर सप्लाई से लगाता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे 19 वोल्ट मेरी बैटरी नहीं है लेकिन यहाँ पे अभी 0.164 एम्पियर दिखा रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा लोड ले रहा है क्योंकि मैंने अभी ऑन भी नहीं किया इसे, लेकिन ये बात है कि शॉर्टिंग हट गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 वोल्ट जो बैठ के 4-5 वोल्ट पे आ रही थी और एम्पियर 5 हो रहे थे अब वो नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फॉल्ट का मतलब अभी और है बोर्ड के अंदर, तो हम इसको और चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इसमें 3-5 की कॉइल पे मेरी वोल्टेज बनी कि नहीं बनी। तो मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे रख लेता हूँ। देखेंगे मेरी 5 वोल्ट की कॉइल में 5 वोल्ट बन गया है और 3 वोल्ट की कॉइल में 3 वोल्ट बन गया। इसका मतलब है स्टेप डाउन सेक्शन मेरा काम कर रहा है और इसके बाद लोड, लेकिन ये लोड ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी IO जो है हीट हो रही है, यानी कि इसको हम EC भी कहते हैं। EC मतलब एम्बेडेड कंट्रोलर। तो थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा के आपको दिखा रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, जूम करके दिखाएं आप इसे। देखेंगे ये जो फ्लैक्स है मेरा मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी IO हीट हो रही है। तो यहाँ पे जो IO है मैं इसको रिप्लेस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो IO है, मैं इसको क्लीन करके पहले आपको इसका नंबर दिखाता हूँ और इस ICU को कैसे रिप्लेस करनी है IO को हमने, तो ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करके आपको इसका नंबर दिखाता हूँ, पार्ट नंबर। तो देखेंगे तो हमारी IO का पार्ट नंबर है, देखेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर है MICRO और देखेंगे यहाँ पे जो IO का नंबर है MEC1404 है और इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के इसको उतार लेंगे। तो आप देखेंगे जब आप IO को उतारेंगे तो आप इसके गाइड पॉइंट पे ध्यान दें कि इस तरफ इसका गाइड पॉइंट था। तो आप देखेंगे SMD से हीट मार के हम इसको रिमूव कर लेंगे। आपने गोल गोल घुमाना है इसे IO को चारों तरफ। और जोर नहीं लगाना है IO को उठाने में क्योंकि अगर कोई ट्रैक मिस हो गया तो फिर और टाइम लग जाएगा रिपेयर करने के लिए हमें। जैसी टेम्परेचर आएगा IO निकल जाएगी हमारी। देखेंगे हल्का हल्का टेम्परेचर आ गया, IO हमारी निकल रही है। देखेंगे कितनी इजी वे में हमारी IO रिमूव हो गई। देखेंगे ये तो आप देखेंगे IO हमारी रिमूव हो गई है और यहाँ पे हम नई IO लगाएंगे और नीचे के पैर देखें सारे क्लीन हैं और दोबारा से एक बार मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगा इन्हें। तो अब हम यहाँ पे नई IO लगाएंगे। मेरे पास इसका जो इसकी जो IO है देख सकते हैं ये है हमारी और इसका मैं नंबर दिखाऊंगा आपको। देखेंगे साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप में।
देखेंगे इसका जो नंबर है MEC1404-NU और जो मेरी खराब वाली है ये देखते हैं इसमें क्या नंबर दिखा रहा है। देखेंगे यहाँ पे भी NU है ये, तो हम रिप्लेस करेंगे इस आईओ को और जब आप इसको लगाएं तो बहुत सावधानी से लगाएं क्योंकि 128 पिनें होती हैं, अगर किसी भी पिन का अलाइनमेंट आउट होगा तो फिर लगाने में प्रॉब्लम आएगी। और गाइड पॉइंट आपने ध्यान से देखना है, देखेंगे जो हमारा गाइड पॉइंट है इस लोकेशन में लगेगा हमारा है। तो हम इसकी पिनों को पहले क्लीन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिसोल्डिंग वायर का यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी कॉपर वायर को आप लेके इसकी जो सरफेस है उसको क्लीन कर लेंगे ताकि हमारी जो आईओ है वो अच्छे से बैठ पाए इसमें। सभी पैडों को मैं क्लीन कर लूंगा ताकि मेरी जो आईओ है बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए यहाँ पे। क्योंकि जब इसका सरफेस क्लीन होगा तभी मेरी आईओ प्रॉपर तरीके से इसमें अलाइनमेंट हो पाएगी। देखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे मेरी ये क्लीन हो गया है पैड इसका आईओ का। और एक बार थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के और क्लीन कर लेंगे इसको। देखेंगे चारों तरफ से इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्लीन हो गया है और एक बार इसकी अच्छे से क्लीनिंग करके मैं आईओ लगाता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पे हमारी एक क्लीन हो गई है और अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स लगा के इसमें आईओ को लगाऊंगा और आपने ध्यान से देखना है कि आईओ हमारी कैसे लगी। देखिए हमारी क्लीनिंग देखेंगे, हमारा जो पैड है बिल्कुल क्लीन हो गया है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है या ध्यान देने वाली बात ये हमारा गाइड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स लगा देता हूँ। हल्के हाथ से इसमें हीट कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं ताकि जो हमारा पेस्ट है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए चारों तरफ। और अब मैं इसमें आईओ को फिक्स कर देता हूँ। तो देखेंगे ये हमारी आईओ है तो इसको हम फिक्स करेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसकी अलाइनमेंट कर ली है और इसके बाद इसकी पिनों को सोल्ड करूँगा। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने इसकी अलाइनमेंट कर ली है और इसकी 1x1 पिनों को सोल्ड करूँगा मैं। तो देखेंगे यहाँ पे पहले एक कोने पे इसको हम सोल्ड कर लेंगे और उसके बाद दूसरे कोने को सोल्ड कर लेंगे। तो हल्के हाथ से पकड़ के आप आयरन को टच कराएं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने दो पिनों को सोल्ड कर लिया है और दो पिन को मैं यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ।
ताकि जो मेरी आयु है अब उनकी अलाइनमेंट हिले नहीं, और दो मैं इस तरफ कर लेता हूँ। देखिए अब क्या है, आईओ अपनी जगह पे फिक्स हो गई है, लेकिन अब इनकी सभी पिनों को हमें सोल्डर करना होगा बारी बारी से। तो यहाँ हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे। आईओ आपकी अच्छे से लगनी चाहिए और सभी पिनें अच्छे से होनी लगनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोल्डर ले लिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे मैं कैसे सोल्ड करता हूँ उन्हें। देखेंगे और आयरन बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है आपने, क्योंकि पिने की अलाइनमेंट टेढ़ी हो गई तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आईओ लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 128 पिन है और सभी पिनों को अच्छे से लगना चाहिए, कोई भी पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे बारी बारी से सभी तरफ इनको सोल्ड कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं हमारी आईओ लग गई है, और एक बार इनको मैं SMD से हीट करके दोबारा से रिसोल्ड करूँगा, और फाइनली मेरे अभी आपको लैपटॉप को ऑन करके दिखाऊँगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट लगा लिया और थोड़ी सी SMD हीट के साथ इसको सोल्ड करेंगे, तो देखिए कितनी फाइन तरीके से सोल्ड होगी है, क्योंकि आईओ हमारी अच्छे से सोल्ड होनी चाहिए। तो देखिए मैं SMD के साथ इसको सोल्ड कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि हर एक पिन कितनी अच्छी तरीके से सोल्ड हो रही है। देखेंगे यहाँ पे सारे पिन ऑलमोस्ट सोल्ड हो गई है इनकी। अब हम इसको क्लीन करेंगे।
तो आप देखेंगे इसको इस तरीके से भी हम क्लीन कर सकते हैं कपड़ा लगा कर। तो देखिए आयु हमारी अच्छे से लग गई है और इसको मैं एक बार चेक करूंगा कि इसकी सभी पिनें अच्छे से लगी कि नहीं लगी है। तो देखेंगे हमारी यहाँ पे आयु लग गई है और मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा अभी इसकी सारी पिनों को देखें। और एक बार इसमें मैंने हल्की सी SMD घुमानी है अभी। तो देखेंगे यहाँ पे हम फाइनल टच दे देते हैं इसे, इसके चारों तरफ हल्का सा पेस्ट लगा के देखेंगे। बस हमने क्या करना है, आयरन SMD मशीन से चारों तरफ इसको घुमा देना ताकि जो हमारा फिनिशिंग आ जाए इसमें सोल्डरिंग की। अब देखेंगे आयु हमारी कितनी टाइम तरीके से लग गई है। देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी आयु लग गई है और आप देखेंगे इसकी क्वालिटी, सारी पिनें बिल्कुल फाइन लगी हैं, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको लाइन देके चेक करेंगे।